भीषण बारिश हो रही है हल्द्वानी में, जबरदस्त बारिश। मेरे रूम के आगे एनसीसी रूम है, ये देखिए मेरा एनसीसी रूम है, 78 एनसीसी बटालियन, ये मेरा रूम है और ये मेरा रूम है, ये मेरा नाम लिखा है, ये हमारा ऑफिस है एनसीसी ऑफिस, ये हमारा एनसीसी ऑफिस है। तो ये यहाँ देखिए हमारा एनसीसी ऑफिस, 78 यूके एनसीसी ऑफिस, देखिए इसमें सारे के सारे हमने रैंक होल्डर्स वगैरह सबके नाम लिखे हैं, और ये हमारे पास जो सम्मान पट हैं इसमें सब आरडीसी कंटिजेंट जो गए हैं उन बच्चों के नाम हैं। ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस, एनसीसी ऑफिस। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, बारिश का जब भव्य नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ रोवर ने ये तुलसी का पेड़ भी लगाया हमने अपने ऑफिस के आगे, ये ज़बरदस्त बारिश हो रही, देखिए ये मेरे ऑफिस के आगे है, नाली है इसके नीचे 2-2.5 फीट गहरी, और नाली के अगल बगल पैदल चलने का रास्ता बना था लेकिन पूरा का पूरा पानी भर गया। देखिए ये देखिए पूरा पानी भर गया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कॉलेज में बहुत सारा एरिया, ये एक नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर छोटी सी। तो ये देखिए ये हमारा ब्लॉक बी, और जिसमें मैं खड़ा हूँ ब्लॉक ए है, और कई टीचर्स जा रहे हैं घर को क्योंकि टाइम हो गया है घर जाने का 4 बजे, बट आज मैं बाइक लेके आया हूँ तो मुझे तो भीगते भी जाना पड़ेगा, अभी वेट करता हूँ थोड़ी देर बारिश रुकने का, बट आसार लग नहीं रहे रुकने के। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए ऑफिस, ज़बरदस्त पानी बह रहा है। अच्छा मेरे कुछ रोवर रेंजर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे निकलने के लिए जुगाड़ बना दिया, देखिए स्टूडेंट्स कितना ख्याल रखते हैं अपने टीचर का। ये देखिए पुल ये इससे मैं इस तरीके से ऐसे निकल जाऊंगा यहाँ से, ऐसे इस तरीके से मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये देखिए इधर देखिए इधर का नज़ारा, ज़बरदस्त बारिश है, जब बारिश रुकेगी तो तब मैं जा पाऊँगा। बारिश में MBPG कॉलेज का नज़ारा, ये सामने लाल बहादुर शास्त्री सभागार है, देखिए ये एक मैडम को लेने के लिए उनकी बिटिया अपनी गाड़ी लेके आती है तो गाड़ी आ गई है उनके लिए, और ज़बरदस्त बारिश, भीषण बारिश है इस बार। वो देखिए सामने उधर हमने जहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एक पंप, एक गड्ढा भी खुदवाया गया है, उसमें बोरवेल का जो ट्यूब होता है वो डलवाया गया है, उसका पाइप डलवाया गया है, अभी चालू नहीं हुआ है, धीरे धीरे जब ये चालू हो जाएगा तो ये सारा पानी वहाँ हम अंडरग्राउंड रिचार्ज कर सकेंगे। और हमारे कॉलेज में कुछ अच्छी चीज़ें और भी बन रही हैं, ये देखिए सामने ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसके बगल में ये जो जिसमें हरी छत दिखाई दे रही है छोटा सा, ये हम अपने लिए जो खाद वगैरह बनाने के लिए, ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, और जो केचुए की जो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमने वो गड्ढा यूज किया है। तो देखिए MBPG कॉलेज का नज़ारा बारिश में, ओके बहुत ज़बरदस्त नज़ारा, वाह। सावन का महीना है, भगवान शिव की सब पर कृपा बनी रहे, और मेघराज पूरे सुरूर पर हैं अपने, हर हर महादेव, और देखिए भगवान इंद्र ज़बरदस्त वर्षा करवा रहे हैं। ये देखिए पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, ज़बरदस्त पानी, और ये मेरा घर को जाने के लिए पुल बनाया गया है, इस पुल से मैं पार करूँगा, और ये तुलसी का वृक्ष लगाया है हमने अपने ऑफिस में। जय माँ।